तो यहाँ पर उन्होंने हमसे डिफरेंस पूछा कि जो यंग पीपल होते हैं उनके उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होता है और जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होता है दर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ़ यंगर एंड ओल्डर पीपल यंगर्स प्रेफ़र टू वेयर क्लोथ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड एंड गो बियॉन्ड द कन्वेंशनल डू टू कैरी न्यू आउटफिट्स तो यहाँ पर हमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर यंगर और ओल्डर पीपल में जो यंगस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो ट्रेंडिंग या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है स्टाइल uh, चल रहा है उसको वेयर करना पसंद करते हैं ऑन द अदर हैंड ओल्डर पीपल लाइक टू कीप देयर ड्रेस सिंपल दे प्राइमरी फोकस इज़ ऑन कम्फर्ट्स सो दे वेयर लूज क्लोथ तो यहाँ पर हमें बताएगी जो ओल्डर पीपल होते हैं वो क्या अपने ड्रेसिंग स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखते हैं और फोकस करते हैं कि जो भी वो कपड़े डालें उनको कंफर्टेबल हो और वो थोड़े लूज़ कपड़े ही डालते हैं सो मूविंग है टू द सेकेंड क्वेश्चन विच इज डू पीपल इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ योर कंट्री वेयर डिफरेंट क्लोज दैन दोज इन द साउथ तो यहाँ पर उन्होंने हमसे डिफरेंस पूछा कि जो नॉर्थ में लोग रहते हैं और जो साउथ में लोग रहते हैं उनके जो ड्रेसिंग uh, स्टाइल को लेकर या कपड़ों को लेकर क्या फ़र्क होता है दे आर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रास्ट इन क्लोदिंग स्टाइल्स बिटवीन इंडियज नॉर्थन एंड साउथर्न रीजन तो यहाँ पर हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है कि जैसे स्टाइल नॉर्थ में डालते हैं लोग और साउथ में डालते हैं तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है फॉर एग्जाम्पल पंजाबी सूट्स है ट्रेंड इन द नॉर्थ फॉर द लास्ट हंड्रेड ईयर्स वाई फीमेल्स इन द साउथ जर्नली वेयर सारीस तो यहाँ पर हम जाए कि जो पंजाबी सूट्स होते हैं वो पिछले सौ साल से ज्यादातर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं नॉर्थ साइड में बट अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पर जो फीमेल्स है ज़्यादातर सारे ही डालती हैं ऑल्सो मेल्स इन द साउथ फ्रिक्वेंटली वेयर अ लुंगी विच इज़ नॉट ट्रेंडिंग इन द नॉर्थ तो यहाँ पर हम लोग की साउथ में जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर लुंगी डालते हैं बट ये चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं है बिल्कुल भी नॉर्थ साइड में सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट पीपल वेयर आफ्टर वर्क तो यहां पर उन्होंने हमसे पूछा कि आफ्टर वर्क कौन से आउटफिट डालना लोग पसंद करते हैं एंड द इन दिस मॉडर्न एरा फाइल्स कंपटीशन हैज़ बिकम एन इंटरगल पार्ट ऑफ आर लाइफ सो मोस्ट पीपल हैव टू वेयर फॉर्मल अटायर एट दर्क प्लेस व्हिच इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल टू वेयर तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मॉडर्न एरा में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमारी लाइफ का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया कॉम्पटिशन सो ज़्यादातर लोग क्या अपने जो ऑफिस पे जब वर्क प्लेस होती है उनकी जो जहाँ पर वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर क्या फॉर्मल कपड़े ज़्यादा डालते हैं जो कि ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होते ड्यू टू दिस रीज़न वैन पीपल कम बैक फ्रॉम वर्क दे प्रेफर टू वेयर लूज क्लोथ्स लाइक ट्रैक सूट्स बरमुडास कुर्ता पजामस एक्सेट्रा तो यहाँ पर हम बताएं इसी रीज़न से वजह से क्या है कि जब लोग काम से वापस आते हैं तो वो थोड़े लूज कपड़े डालना पसंद करते हैं जैसे पजामाज हो गए बरमुंड हो गए या ट्रैक सूट डालना पसंद करते हैं सो मूविंग है टू द फोर्थ क्वेश्चन विच इज वट काइंडलोथ शुड पीपल वेयर एट वर्क तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि जब लोग ऑफिस जाते हैं जा जब अपने काम पर जाते हैं तो उनको किस तरह के कपड़े डालने चाहिए and the answer is at work the focus should be on productivity and due to this reason people should wear appropriate and formal attire and they should refrain from wearing flashy clothes तो यहाँ पर हम बताएँ कि जब लोग काम पर जाते हैं तो उनका जो मेन फोकस उनकी प्रोडक्टिविटी पर होना चाहिए और इसी रीज़न की वजह से क्या कि उनको अप्रोप्रेट कपड़े डालने चाहिए उनको फॉर्मल कपड़े ही डालने चाहिए और उनको अवॉइड करने चाहिए जो फ्लैशी क्लोथ्स होते हैं ज़्यादा चमकीले कपड़े होते हैं वो नहीं डालने चाहिए उनको The dress code may differ according to the job profile, whereas in most professional settings, appropriate formal clothes are the need of the hour. However, certain professions like gym trainers may need sports clothing or typical uniforms. तो यहाँ पर हमने ताकि job profile को लेके different job को लेके क्या हमारे dress code अलग हो सकते हैं हमारा attire change हो सकता है पर mostly ज़्यादातर formal clothes ही डाले जाते हैं और यही need of the hour भी है कि means कि यही ज़रूरत भी है आज के time की but कुछ प्रोफेशनस ऐसे हैं जैसे कोई जिम ट्रेनर है उनको थोड़े स्पोर्ट्स क्लोदिंग या उनको स्पोर्ट्स वाले कपड़े ही डालने चाहिए बाकी डिपेंड करता है कि आपके प्रोफेशन कौन सा है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू थिंक स्टूडेंट्स नीड टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म्स तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कूल यूनिफॉर्म डालनी चाहिए या नहीं एंड द आंसर इज वेयरिंग स्कूल यूनिफॉर्म्स इज प्रूडेंट बिकॉज इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग द स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमें बताया कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको डालना एक बहुत ही प्रूडेंट अप्रोच है प्रूडेंट मीन्स की एक वाइस अप्रोच एक अच्छी अप्रोच है क्योंकि इससे क्या होती है एक सेंस ऑफ इक्वालिटी पैदा होती है बच्चों में अपार्ट फ्राम दिस इट्स सेवस टाइम बिकॉज स्टूडेंट्स नीड नॉट चूज़ वॉट टू वेयर एवरी डे तो इसके अलावा क्या है कि बच्चों का टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है क्योंकि उनको कोई चूज नहीं करना पड़ता कि आज वो कौन से कपड़े डालेंगे लास्टली इट सेव्स मनी ऑल्सो बिकॉज द पेरेंट्स नीड नॉट परचेज वेज क्लोज तो यहाँ पर हम बताया कि लास्टली ये पैसे भी बचाते हैं पेरेंट्स के क्योंकि उनको एक्स्ट्रा कपड़े नहीं खरीदने पड़ते बच्चों के लिए एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डू इंडियन पीपल बाई क्लोज़ तो यहाँ पर उन्होंने से पूछा कि जो इंडियन लोग होते हैं वो ज़्यादातर कपड़े कहाँ से बाई करते हैं इंडियन पीपल परचेज गारमेंट्स फ्राम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फर्स्टली दोस्त फ्राम ओल्ड स्कूल गो टू गारमेंट शॉप्स बुटीक्स एंड शॉपिंग मॉल्स तो यहाँ पर हमने बताया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ पर लोग इंडियन लोग जाते हैं और अपने कपड़े परचेज करते हैं जो ओल्ड स्कूल है वो क्या जाते हैं शॉप्स पे जाते हैं जो बुटीक्स जाते हैं जो जा शॉपिंग मॉल में जाते हैं है, कपड़े बाई करने बट ऑन द कॉन्टोरी द यंग जनरेशन परचेज फ्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट एंड आजियो तो यहाँ पर हम ते कि दूसरी साइड अगर हम जन, यंग जनरेशन की बात करें तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट हो गया तो इस इन, इनसे काफ़ी ज़्यादा कपड़े परचेज़ करते हैं सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज़ आई होप यू लाइक द वीडियो गायस सो डोंट फॉर गेट टू गेजर द थम्स अप एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल एंड आई विल कैच इन द नेक्स्ट वन टिल टन टेक केयर एंड गुड लक गोल्ड प्रेपरे गाइज थैंक यू